तो दोस्तों पिज़्ज़ा की सॉस बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाला है। आप चाहें तो लहसुन का उपयोग नहीं भी कर सकते अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों लहसुन जब इसके अंदर थोड़ा सा तड़का लग जाएगा, लहसुन का थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर का प्यूरी। आप देख सकते हैं कि लहसुन अब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर क्रैकल होना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगा फ्रेश टोमेटोज़ की प्यूरी। दोस्तों फ्रेश टोमेटो की प्यूरी डालने के बाद में हम इस पूरे तड़के को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे टमाटरों के अंदर। इस टमाटर को हमको चलाना है, थोड़ी देर पकाना है, ताकि इसका जो कच्चापन है टमाटर का वो अच्छे तरीके से निकल जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर सारा जो तेल और मैंने जो तड़का है वो अच्छे तरीके से अंदर मिक्स कर दिया है। और इसके बाद में अब मैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें हम इसके अंदर चीनी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इन दोनों सामग्रियों को डालने के बाद हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इसका अगले इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं ड्राइड थाइम लीव्स। थाइम लीव्स जनरली इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप इसके अंदर करीब से 2 से लेकर 2.5 चम्मच आप थाइम लीव्स डाल दीजिए। थाइम लीव्स इसके अंदर एक अच्छा अर्दी फ्लेवर प्रोवाइड करेगा, बहुत खुशबूदार लीव्स होती हैं। दोस्तों मैंने इसके अंदर थोड़े ओरिगैनो लीव्स भी डाली हैं, ड्राइड फ्लेकी ओरिगैनो लीव्स। तो ओरिगैनो भी बहुत ईजिली अवेलेबल एक हर्ब है जो मार्केट में मिलता है। आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश बेजिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश बेजिल से इसके अंदर अच्छी फ्रेशनेस आ जाती है। मैंने इस समय केवल थाइम और ओरिगैनो का इसके अंदर इस्तेमाल किया। दोस्तों ये दोनों हर्ब्स डालने के बाद में मैं इन दोनों हर्ब्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। चीनी इसके अंदर एक अच्छी सी मिठास प्रोवाइड करेगी, नमक से इसका स्वाद और एक्सेंचुएट हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। हम इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से इसके अंदर एक उबाल आने देंगे, जिससे कि टोमेटो का जो कच्चापन है, टमाटर का कच्चापन अच्छे तरीके से निकल जाएगा और हमारे हर्ब्स और जो हमने फ्लेवर्स डाले हैं वो अच्छा अपना काम करेंगे और इसके फ्लेवर्स और उभर के आएंगे। दोस्तों एक बारी उबाल आने के बाद में हम इसको अच्छे से एक बारी और मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से इसके बाद मिक्स हो जाए। और इसके बाद थोड़ा सा हम इसको कवर करके हम कुक करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक ग्लास लिड लगाया। इसको कवर करने के बाद में आप ढक्कन को हटा दीजिए करीब 1 से 1.5 मिनट के बाद में, और आप देख सकते हैं कि हमारी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है तैयार होने के लिए। वी जस्ट नीड टू कूल इट डाउन, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और इसके बाद में हम इसको पिज़्ज़ा के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं।